ओम शांति। मैं शांति हूँ। अविनाशी हूँ और शांत हूँ। और जो भी डिस्टरबेंस इनर किंगडम में भी, आंतरिक जगत में भी कोई डिस्टरबेंस, कोई अशांति अगर है, तो वो मेरी नहीं है। मैं जो भी बदलने वाले या जितनी भी पासिंग एनर्जीज हैं, मूड्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो मुझ सत्य स्वरूप से नहीं है, इसीलिए मेरे नहीं है। आत्मा बिंदु स्वरूप है, वो बिंदु स्वरूप बाबा की साथी है। दोनों का नॉर्मल नेचर है, शांति, साइलेंस, स्थिरता। इसी नॉर्मल नेचर में स्टेबल हो, सूक्ष्म बिंदु जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है, रिकॉर्डेड फिक्स्ड पार्ट, ये बिंदु आत्मा शरीर में स्थित, और वो रिकॉर्डेड फिक्स्ड पार्ट अपने आप प्ले होते जाता है। मैं आत्मा बस प्रेजेंट हूँ, मेरे अनुभव मेरे सत्य के आधार पर है, और पार्ट जहां तक जितना बजना है वो अपने आप प्ले हो रहा है। मैं बिंदु स्वरूप हूँ, और ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ लव के साथी हूँ। ओशन ऑफ नॉलेज के साथी हूँ, और साथी के साथ ही बैठकर
ये फिक्स्ड रिकॉर्डेड ड्रामा का मनोरंजन देखती हूँ। थैंक यू। और हम मुरली की तरफ आते हैं। आज की जो मुरली है इससे हम परमात्मा की पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को, आत्मा उससे परिचित होती है, समझती है। तो बाबा शुद्ध मुंह में आते हुए भी निर्मोही है। तो बाप दादा शुद्ध मुंह में आते हुए भी निर्मोही है। तो वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज पहुंचती रहती है। बाबा को वतन में बैठे बैठे भी दिलों की आवाज पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। तो बाबा ने ये मुरली चलाई थी जब ब्रह्मा बाबा, वो जो पाठ है वो फिनिश हुआ, और वो जो आत्मा है ब्रह्मा बाबा का पार्ट प्ले करने वाली, तो उस आत्मा ने जब शरीर छोड़ा, तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है ना, क्योंकि जो ड्रामा का सीन हुआ और कैसे वो पार्ट जो है वो फिनिश हुआ, तो सभी का बहुत कनेक्शन था ना, ऑब्वियसली तो बहुत कनेक्टेड थे सब उस पार्ट से, ब्रह्मा बाबा के पार्ट से। तो जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा तो बहुतों को ऐसा लगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आए होंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। तो रहस्य और कल्याण हमेशा आत्मा के लिए होता ही है हर ड्रामा के सीन में। तो बाबा कहते हैं इसलिए जो आवाज पहुंचती है वो सुन करके हर्षाता रहता हूं। क्या बाप दादा निर्मोही है? बाबा पूछते हैं क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो? तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह। तो सबसे बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि मैं तो, हाँ बाप दादा तो निर्मोह ही है, मगर बच्चे ऑब्वियसली उनका बहुत ही ना एक प्योर रीति से बहुत अटैचमेंट कहें उस पार्ट से, दोनों आत्माओं से, है ना, शिव बाबा से तो है ही प्यार, और साथ में वो जो साकार में जो निमित्त बने, जो इंस्ट्रूमेंट बने, उनके लिए भी बहुत बहुत कुछ सीखा सबने, तो उनके लिए भी बहुत ग्रैटिट्यूड। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर बच्चों में शुद्ध मोह है और बाबा निर्मोही है, तो मिलन कैसे होगा, तो कनेक्शन कैसे हो सकता है ना? ये तो कनेक्शन तो वहीं होता है जहाँ सिमिलर है, जहाँ पे नेचर में समानता है। इवन हद की रीति से भी देखें तो हमारा कनेक्शन वही होता है जहाँ पे एक बौद्धिक लेवल पे कुछ समानता है ना, संस्कारों के लेवल पे कुछ समानता है, मन के विचारधारा में कुछ समानता है। वही आप संग पसंद करेंगे, हाँ वहीं पर आपका कनेक्शन होगा। तो ये तो आत्मा और परमात्मा की बात है कि अगर बच्चों के अंदर है ना शुद्ध मोह है और परमात्मा निर्मोही, तो मिलन कैसे हो सकता है। बाबा खुद कह रहे हैं कि कैसे होगा फिर मिलन, बाप दादा में शुद्ध मोह है ना? तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा में शुद्ध मोह रहता है।
तो सभी जो बैठे थे सामने स्टूडेंट्स, उन्होंने आंसर किया कि जो ब्रह्मा बाबा है ना, वो जो साकार बाबा का बच्चों में ना, तो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम शिव बाबा के लिए तो नहीं कह सकते कि उनके अंदर शुद्ध मोह है कि नहीं, बट डेफिनेटली जो ब्रह्मा बाबा, उनके अंदर तो हम सबके लिए शुद्ध मोह है ना, शुद्ध प्यार था उनके उनके अंदर था। तो शिव बाबा कहते हैं अच्छा शिव बाबा का नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं अच्छा उसका तो सबको गारंटी है कि वो तो हमसे सबसे शुद्ध प्यार करता था, तो मेरा गारंटी नहीं है किसी को, शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। तो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैसे हमारा है वैसा नहीं है ना, तो सबको सबको ये सोचने में भी कि परमात्मा में मोह होगा तो वो तो बहुत स्पष्ट रहता है कि वो उनके अंदर तो मोह नहीं, इसीलिए वो कठोर लगते हैं, बाकी जो आत्मा ह्यूमन जर्नी से पूरा गई है ना, जो ब्रह्मा बाबा, तो उसके लिए सबको गारंटी है कि नहीं उनको तो था हमसे बहुत शुद्ध प्यार, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। हाँ, तो बाबा को भी, बाबा भी जान रहे हैं कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं बाबा को ना, परमात्मा को कैसे कितना सबने समझा है। तो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं जैसे हमारा है वैसे नहीं है आपका है ना। तो बाबा कहते हैं शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है ना, तो बाबा क्या कहते हैं कि मेरा जो शुद्ध मोह है वो बच्चों से भी जास्ती है, जितना आपका मुझसे नहीं है, आपका ब्रह्मा बाबा उस आत्मा से भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है ना, अभी बाबा कहते हैं कि आपका जितना मुझ में शुद्ध मोह है उससे भी ज्यादा मेरा सभी आत्माओं से है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। तो बाबा कहते हैं कि विशेष अंतर क्या है, शिव बाबा शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है ना, शिव बाबा की खासियत क्या है कि शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है। जिसको जो ईगो है ना वो इंटरप्रेट करता है एज कोल्ड है ना, तो परमात्मा ओशन ऑफ लव है, बिल्कुल भी कोल्ड नहीं है। कोल्डनेस तो ये तो ह्यूमन नेचर और फीलिंग्स का उतार चढ़ाव है ना, तो परमात्मा जो है वो शुद्ध मोह में कैसे आते हैं और उसका विशेष ना अंतर क्या है। तो बाबा कहते हैं कि मोह में आते हुए, शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है, और बच्चों में और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं। क्या डिफरेंस रहा यहाँ पे, क्या समझा कि बाबा शुद्ध मोह में आते हैं, शुद्ध मोह में आते हैं, लेकिन जो बच्चों के लेवल पे क्या होता है कि वो भी शुद्ध मोह में आते हैं, और फिर जो फीलिंग्स आती हैं अंदर में कि कितना अच्छा लग रहा है, ये कितने अच्छे हैं ना, कितना ये समय कभी खत्म ही ना हो ना, ऐसे ऐसे जो शुद्ध मोह के चलते ये जो बड़े मीठे संकल्प और फीलिंग्स आती हैं, तो अंतर ये है कि बच्चे इन सभी का स्वरूप बन जाते हैं। स्वरूप बन जाना माना उस मोमेंट पे, उस टाइम पे जो फीलिंग आई उसको बिल्कुल मैं कह के, मेरा मान के उससे चिपक जाना ना, और परमात्मा शुद्ध मोह में आते हैं, और यदि उनके अंदर से वो फीलिंग आई कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे हैं ना, मगर उसको उस समय भी वो इतना ज्ञान की इतनी स्पष्टता है कि ही जस्ट सीज इट एज अ पासिंग एनर्जी, तो सीन फिनिश हुआ, वो फीलिंग्स भी ना, वो फीलिंग्स भी मर्ज हो जाती है। और स्वरूप बन जाना माना वो फीलिंग्स, वो संकल्पों को कैरी करके साथ में चलना ना, उसको जी पार्ट को
पार्ट को प्लेजर फील होता है तो अटैचमेंट हो जाती है ना। और पार्ट अनुसार जो संकल्प भी आया, कोई फीलिंग भी आई, तो उसको भी मेरा कह के उससे अटैच, तो माना स्वरूप बनना। अभी अब हम एक बहुत सीनियर ब्रदर, आई थिंक आप लोगों ने, हाँ शायद जब क्लास हुई थी, तो डॉक्टर प्रशांत है ना, जो कि कैम्ब्रिज में रहते हैं, तो ऐसे पीछे हुआ था कि उनसे पूछा कि मंदिर घूमने जा रहे हैं तो चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि नॉट इंटरेस्टेड ना। तो फिर हमने सोचा अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद फिर भी मन था कि उनको लेके जाएं, तो फिर बाद में फिर दोबारा भाई ने पूछा कि भाई हम लोग सोच रहे थे शाम को मंदिर चलें, आप चलेंगे ना? मना कर दिया था उन्होंने, तो फिर दोबारा पूछा, तो उन्होंने कहा या आई एम गो। तो जैसे कि क्या फील हुआ कि जो पहले क्वेश्चन पूछा था और पहले का जो आंसर आया था, वो उस मोमेंट पे वो जो फीलिंग आई उसके बिहाफ पे आंसर किया ना। और फिर उसके बाद जब दूसरे बार जब दोबारा सीन वैसा क्रिएट हुआ, और उस टाइम जो फीलिंग आई उससे आंसर हुआ कि हाँ या आई गो। हाँ, तो ऐसा फील हुआ कि उनको बिल्कुल भी याद, स्मृति में ही नहीं था, याद ही नहीं था कि अभी उनसे पूछा था एक दिन पहले और उन्होंने मना किया था, और वो ये सोचे कि क्या है ये बार बार पूछ रहे हैं, अभी तो मना किया, समझ नहीं आता क्या, कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक अ बेबी। हाँ, बच्चा जैसे होता है, अभी पूछा, अभी किया, हाँ, फिर पहले बोला नॉट इंटरेस्टेड है ना, फिर दोबारा, तो यहाँ से जो पूछ रहा है, जो ऑफर कर रहा है, वो उसको अंदर भी कोई पास्ट की कोई फीलिंग नहीं है, कोई मतलब स्वरूप नहीं बने ना। और सामने से भी वो जो आत्मा है वो बिल्कुल भी उस टाइम क्या हुआ अभी क्या हुआ कोई स्वरूप नहीं बने, तो ये है निर्मोही अवस्था। हमारी कैसे होती है ये निर्मोही अवस्था, नष्टो मोहा जितना है उतना उस आधार पे वो निर्मोही, और बाबा तो मोह में आते ही नहीं है, तो वो क्या नष्ट करें और फिर क्या निर्मोही बने, तो परमात्मा का स्वरूप ही है निर्मोही। नहीं, भूल नहीं गए थे, भूल जाने का मतलब रजिस्टर नहीं होती चीजें, हाँ रजिस्टर होना, अरे भूल जाने का मतलब है कि ये किसके लिए होगा जो बहुत प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट में रहता है और जो भी फीलिंग्स आती हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, उसको जस्ट एक पासिंग की तरह देखता है, उससे अटैच नहीं होता। तो भूल नहीं जाने का एक्चुअली रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, जो अभी 2 दिन पहले हुआ उसको लेके मैं चिपक के फिर आई कम इन टू दिस प्रेजेंट मोमेंट, तो ऐसा नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में आत्मा आ रही है कंप्लीटली न्यू। तो एक यहाँ पे एक चक्र चल रहा है ना, इसको भी देखते हैं कि पार्ट जैसे एक चक्र है। हाँ? तो मैं इधर से पार्ट से थोड़ा सा लिया, 1 मिनट, ये इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे ना ये चक्र है और ये है पार्ट, हाँ ये है रोल, और सोल इसमें बीच में है, तो वो कभी डे 32 पे क्या हुआ उसको लेके फिर वो डे 33 में आती है, और फिर डे 33 में क्या हुआ उसको लेके फिर डे 34 पे जाती है, तो ऐसे ऐसे है ना, यहाँ से ले रही है यहाँ जा रही है, यहाँ से ले रही है यहाँ जा रही है, और परमात्मा हर मिनट हर सेकंड ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, घर से फिर नीचे एंड कम्स इनटू पार्ट, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे आए, फिर कम्स इनटू, तो ऐसे ही मैं आत्मा, हम सभी आत्माओं का यही नेचर है या ना अवतार है। तो जितना यहाँ से ना, यहाँ पे है आत्मा, अपने घर की स्मृति ना, घर में जाना क्या, फिजिकली जाना नहीं, घर में साथी के साथ हूँ और घर में भी ना, एंड देन फिर इस पार्ट में आए, फिर जो भी यहाँ हुआ, यहाँ से नहीं लिया मैंने, आई गो बियॉन्ड अबव एंड बियॉन्ड एंड इनवर्ड्स ना, इनवर्ड्स अबव एंड बियॉन्ड, हाँ ऐसे हम गए, हाँ ये कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं, और फिर यहाँ से फिर दोबारा पार्ट में, तो एवरी टाइम मेरा
अवतार की तरह, बस ऊपर से नीचे, आई एम जस्ट री इनकार्नेटिंग। तो ये बहुत ही वंडरफुल है, हाँ, कि बाबा उनका स्वरूप नहीं बनते, हाँ, और बच्चे जो है स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारा बनते हैं या तो न्यारा बनते हैं। तो जो ये ह्यूमन फीलिंग्स को अपना नेचर समझते हैं, जो कि अभी इस दुनिया की हालत है, कि ह्यूमन फीलिंग्स को नेचर समझने से हर एक जो पर्सनालिटी है, जो पार्ट के थ्रू रेडिएट हो रही है, वो एक्सट्रीम पर्सनालिटीज हैं ना, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम इमोशनल, इमोशनल है तो इतना ही वो है, मतलब सब जगह एकदम ही डूबे हुए। फिर कोई क्लोज्ड ऑफ है, रिजर्व्ड है, तो वो इतना रिजर्व्ड है, इतना है कि वो कहीं कंफर्टेबल नहीं है किसी। तो व्हाट व्हाट हैज हैपेंड, ये ह्यूमन फीलिंग्स को इस इधर से जो डे इसमें हुआ उसको कैरी करके सोल अब आगे वाले दिन में जा रही है, सेकेंड सेकेंड सब कुछ कैरी करके चल रही है। तो उससे पर्सनैलिटी जो बन रही है, जो पार्ट के थ्रू रेडिएट हो रही है, दे आर एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज, बिकॉज वो सोल की पर्सनैलिटी नहीं है ना, बैलेंस की पर्सनैलिटी नहीं है, तो इट इज एक्सट्रीम, है ना। तो या तो बहुत ही प्यारे या तो बहुत ही न्यारे, हाँ, इस तरीके से ये फ्लक्चुएशंस एक्सट्रीम्स में है। और वेयरएज बाबा परमात्मा की क्या पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड क्या है, बैलेंस, न्यू, एवरी सेकेंड इज न्यू, एवरी सेकेंड इज न्यू। इवन बाबा से कितनी बार, और ऐसा नहीं होता कि हम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भूल जाए, है ना। ये तो एक छोटी सी चीज थी, मंदिर जाना, है ना, वो अलग चीज है, वो रजिस्टर ही नहीं किया तो वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं किया तो वो क्वेश्चन न्यू ही लगेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं पार्ट से रिलेटेड, वो नहीं भूलती है ना, वो कभी भी लॉस्ट नहीं होती है। तो इस रीति से बाबा कहते हैं कि बच्चे जो है वो शुद्ध मुंह में आते हैं तो उसका स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते हैं या तो न्यारे बनते हैं, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ में बनते हैं। तो इट इज अ सोल की पर्सनालिटी, मतलब वो न्यारा भी है प्यारा भी है, सबको प्यारा लग भी रहा है, वो अंदर से यहाँ का कुछ भी ले नहीं रहा है, वो कंप्लीटली डिटैच्ड है, तो न्यारा भी है प्यारा भी है, दूसरे को दिखाने के लिए न्यारा और दूसरे को दिखाने के लिए प्यारा, ये नहीं है ना, वो अपनी ऑनेस्टी। तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्सनालिटीज हैं बहुत ही ना वूंडेड हैं ना, ह्यूमन जर्नी के एक्सपीरियंसेस को हम लेके चलते हैं तो देर आर लॉट ऑफ वूंड्स, है ना। तो अभी आत्मा को स्पष्ट अपनी पहचान, अपना सत्य स्वरूप मिला है और अपना घर की स्मृति, ना, घर जो कि टावर ऑफ साइलेंस है। तो बाबा कहते हैं कि ये अंतर जो रहा हुआ है इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे। अब ये जो अंतर है कि हम आते हैं शुद्ध मोह में, आत्मा आती है और फिर उसमें जो फीलिंग्स आती हैं, थॉट्स आते हैं, ये तो बड़ा अच्छा है, खत्म ही ना हो ना, ऐसे ही चलता रहे, इन सब का स्वरूप जो बन जाती है, बाबा कहते हैं इसको मिटाएंगे, है ना, इन फीलिंग्स को ओन नहीं करेंगे, पासिंग एनर्जी की तरह देखेंगे, आया है चला जाएगा, मुझे इसको पकड़ के घूमने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या होगा, मिटाएंगे तो क्या बनूंगी बनेंगे, अंतर्मुख, कंप्लीटली इंट्रोवर्टेड, अंतर्मुखी, अव्यक्त, अलौकिक, अंतर्मुख, अव्यक्त और अलौकिक। अव्यक्त माना जो व्यक्ति विशेष, है ना, व्यक्ति विशेष माना ये जो व्यक्ति है, हम कहते हैं ना हम सब व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति के पीछे अव्यक्त आत्मा है, व्यक्ति इज ये रूपाली तनु, ये व्यक्ति है, ये पार्ट जो है ये व्यक्ति है ना, और सोल अव्यक्त है। तो जैसे जैसे इस अंतर को मिटाएंगे, इसका स्वरूप बनना बंद करेंगे, तो आत्मा अव्यक्त अपने स्वरूप में रहेगी, उसके अनुभव अव्यक्त अनुभव होंगे, नॉट कि इसको क्या फील हो रहा है, इसका क्या एक्सपीरियंस है ना।
इसका इसका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, ना जल्दी करो, जल्दी जाना है, पहुंचना है, इसका तो ये सब एक्सपीरियंस है ड्रामा के एक सीन और दूसरे सीन के बीच में, मगर सोल अव्यक्त एक्सपीरियंस में है और अलौकिक, ना अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब ये अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। जितना आत्मा अपने ट्रुथ के एक्सपीरियंस में आती है ना, अव्यक्त एक्सपीरियंस में आती है, तो पार्ट के लेवल पे भी वो रिफ्लेक्ट होगा कि दूसरों को भी फरिश्ते के रूप में नजर आएंगे। अभी क्या है, आत्मा अपने को बहुत समय से पार्ट समझ के जिया है कि मैं ये हूं, इसके सारे एक्सपीरियंसेस ही मेरे हैं, रोल समझ के जिया है ना, तो रोल के सारे एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, हाँ मैं ये अनुभव कर रही हूँ, तो इसकी वजह से पार्ट में और रिफ्लेक्ट होता है वो फ्लक्चुएशंस, वो अप एंड डाउन, हाईज एंड लोज, है ना, वो और ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज सोल हर बार उन फीलिंग्स को मेरा मैं कह के, मैं ऐसी हूँ कह के उसको रीअफर्म कर रही है, तो पार्ट में वो डबल इंटेंसिटी से दिखता है ना, अनुभव में आता है। हम कहेंगे ये बहुत मूडी है, ये बहुत ऐसे हैं, तो वो होता है। और अब जैसे जैसे नॉलेज के साथ अब आत्मा यहाँ से जो व्यक्त भाव है, भावनाएं हैं जो आती भी हैं ना, जो आएंगी अंत तक आएंगी ना, लास्ट सेकंड तक पार्ट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही रियल दिखेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं तो अभी भी ये फीलिंग आ गई, अभी भी ये फीलिंग, हाँ वो आएगा, वो जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक पार्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं सीन ए टू सीन बी में, कुछ मना हो गया तो डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, हताशा, हर्ट फील होना, वो सब आएगा ना, लेकिन वो उतना ही दूर अनुभव होगा, उतना ही स्ट्रेंज अनुभव होगा जितना हम किसी दूसरे इंसान को देखें ना, दूसरा इंसान कुछ सोच रहा है, कुछ अनुभव कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है स्ट्रेंजर, मेरा क्या इससे ताल्लुक, तो ऐसे ही इससे भी इस व्यक्ति से भी ऐसे ही होगा कि हाँ कोई बात नहीं ना? मतलब वो इतना अपनापन, मेरापन वो नहीं लगेगा ना? वो जो धागा है उसके साथ जो गांठ बंधी हुई है, मेरा मेरा मैं, वो सब डिजोल्व हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि अब उस पार्ट के लेवल पे भी सोल का जो पर्सनालिटी है अव्यक्त ना, वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसको ही कहा जाता है एंजेलिक पर्सनालिटी। तो आत्मा जो अव्यक्त एंजल है, गॉड की एंजल है हर एक सोल, तो वो जितना अपने अव्यक्त अलौकिक स्वरूप के एक्सपीरियंस में आती है, तो पार्ट के लेवल पे भी वो एंजल फील होगा, वो आत्मा की पर्सनालिटी रीअफर्म होके पार्ट में भी रिफ्लेक्ट करती है, तो अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। दूसरे को क्या नजर आएगा ये बाबा बता रहे हैं, और बाबा कहते हैं इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ता बन सकते हो ना? अटेंशन, अंडरलाइन की बात है कि इस साकार वतन में आत्मा स्थूल वतन में रहते हुए पार्ट प्ले करते हुए फरिश्ता बन सकते हो, क्योंकि फरिश्ता बनने के लिए या फरिश्ते के अनुभव में आने के लिए हमें यहां से कहीं से जाना नहीं है, कुछ भी कट ऑफ नहीं करना है, पार्ट अपना चलेगा, इसका इसमें जितने रिकॉर्ड गाने हैं वो बजेंगे अपना, अपने टाइम पे जो जो है वो वैसे प्ले आउट होगा। बट सोल वाइल दिस पार्ट इज बीइंग प्लेड आउट, ये जो पार्ट बज रहा है, आत्मा इधर बैठी है और वो अपने कौन से एक्सपीरियंस में है, आत्मा क्या एक्सपीरियंस कर रही है, पार्ट प्ले हो रहा है ना, ये अनन्या जा रही है, बोल रही है, कुछ कुछ चल रहा है, कर रही है, हाँ पार्ट प्ले हो रहा है, आत्मा क्या अनुभव कर रही है, क्या एक्सपीरियंस कर रही है पार्ट के पीछे जो चेतना है। हाँ
उसका क्या एक्सपीरियंस होगा? बिल्कुल साक्षी है, मतलब साक्षी मतलब साथी है, उसका जो कंपनी है, जो साथ है वो है परमात्मा के साथ, वो है बाबा के साथ। तो साक्षी का मतलब हमेशा ऐसा साथी, तो साथी के साथ है आत्मा, तो बाकी सबसे साक्षी है। और क्योंकि जो साथी है वो तो फादर ऑफ ऑल एंजल्स है, तो आत्मा के अनुभव भी एंजेलिक है। आत्मा फादर ऑफ ऑल सोल्स, फादर ऑफ ऑल सोल्स, फादर ऑफ ऑल एंजल्स उसके साथ है, उसकी कंपनी में है, तो इसीलिए उसका अनुभव भी अलौकिक है, अव्यक्त है। और उस खेल के साथ, उस साथी के साथ वो खेल को देख रही है, पार्ट बचते हुए पार्ट को देख रही है कार्टून शो की तरह। और ऐसा करते से बाबा कहते हैं कि आप यहाँ पे चलते फिरते पार्ट के रीति से ये पार्ट चलता फिरता हुआ नजर आएगा कि एंजल फरिश्ता, क्योंकि पीछे पार्ट कॉन्शियसनेस नहीं जागृत है, एंजेलिक कॉन्शियसनेस जागृत है। एंजेलिक कॉन्शियसनेस जब जगी हुई है उस लाइट के आगे पर्दे पे जो होगा, ऐसा नहीं है कि एंजल ऐसा बैठा रहेगा पूरे दिन कुछ करना ही नहीं है, ये नहीं है। वो अपना उस भोजन बनाने का, भोजन खाने का, वो सब कुछ चल रहा है, पीछे टॉर्च जली हुई है पार्ट कॉन्शियसनेस की नहीं, मगर एंजेलिक कॉन्शियसनेस जली हुई है, एंजेलिक कॉन्शियसनेस जली ना जगी हुई है। और पर्दे पे जो हो रहा है ये जो पार्ट कुछ भी कर रहा है, पहली बात कुछ भी तो करेगा भी नहीं, उधर भी वो अटेंशन वो सब रहेगा, लेकिन जो भी वहां होगा वो फील ही होगा कि चलता फिरता फरिश्ता तो बन सकते हो, मगर ये लास्ट में नहीं होता है, लास्ट के 10 मिनट में नहीं होता है, ये लंबे समय से किस चेतना में आत्मा ने यहाँ साकार वतन में रहते किस चेतना के किस एक्सपीरियंस में रहेंगे, ये फाइनल स्टेज फाइनली नहीं बनती है। फाइनल स्टेज जो यहाँ हर पल अनुभव कर रहा है, तो ड्रामा के फाइनल सीन्स में वो फाइनल स्टेज दिखाई देती है। तो आप फिर कहेंगे कि आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने ना, यहां ही बनते, लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वो बच्चों को साजे साजे, जो बाप का कार्य है वो बाप ही करते हैं। तो ये है साकार वतन है ना, ये है स्थूल दुनिया जहां पे ये जूम कॉल चल रही है, फिर ऊपर है आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया जहां पे सभी आत्माओं का घर है, लाइट की दुनिया, ऑल सब सीड्स में, सब सीड्स का घर ना, सब सीड्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ लाइट जहां से आए हैं वो घर। और अब जो यहाँ पे रहते हुए ना इस एंजेलिक कॉन्शियसनेस में कंप्लीट जगा हुआ रहता है ना, मतलब कर्मातीत, कर्मों से परे पार्ट बज रहा है, कर्म हो रहे हैं मगर उससे अतीत, उससे बियॉन्ड है, कर्म का पार्ट चल रहा है जैसे भी पार्ट चल रहा है, मगर आत्मा उस सब से, उसके प्रभाव से अतीत है, कर्मों के प्रभाव से यहाँ क्या चल रहा है उससे अतीत अनुभव है ना, कर्मातीत के अनुभव में है। तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है आत्मा की, वो सारा पार्ट जो है वो जल्दी जल्दी प्ले होके एंड देन फिनिश। तो अब ये आत्मा शरीर छोड़ देगी, हर बार जब आत्मा शरीर छोड़ती है डजेंट मीन कि कर्मातीत अवस्था में है, लेकिन हम कह रहे हैं जो ट्रुथ में, जो ट्रुथ के एक्सपीरियंस में है, वो आत्मा जब शरीर छोड़ेगी, वो आत्मा जब शरीर छोड़ती है, हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा के पीछे जो है ना, जो सोल है, उसने जब शरीर छोड़ा
तो अब वो कंप्लीटली सारे जो उसका लास्ट जो पार्ट है, क्योंकि हर एक सोल के अंदर मैक्सिमम एक एक लिमिट का पार्ट है। कोई भी सोल अगर इस ड्रामा के फर्स्ट डे से यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो मैक्स टू मैक्स 84 पार्ट ही प्ले कर सकती है ना, 84 जन्म, 84 ही बर्थ, 84 एपिसोड्स ही प्ले आउट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जो इस ड्रामा में सत्युग के फर्स्ट डे से नहीं प्रेजेंट है, जो बाद बाद में आए हैं, तो फिर उनका उसी रीति से नंबर होगा, बट मैक्सिमम इज 84। तो जो जिस आत्मा ने प्ले किया ब्रह्मा बाबा का पार्ट, वो डे वन से, ड्रामा के डे वन से यहाँ प्रेजेंट होती है, सत्युग के डे वन से। तो अभी जो उसने ब्रह्मा बाबा का पार्ट किया वो उसका फाइनल था। तो अब ये आत्मा, इसने इसके सारे पार्ट्स फिनिश हो गए, ठीक है, लेकिन रंगमंच पे ड्रामा फिर भी चल रहा है, ड्रामा नहीं फिनिश हुआ है ना, ड्रामा चल रहा है 1969 में, मगर इसके सारे पार्ट्स प्ले हो गए, इसके 84 बर्थ स्थूल दुनिया में प्ले हो गए एपिसोड्स। तो अब ये कहाँ जाएगी, ये सोल कहाँ जाएगी, सोल वर्ल्ड में जाएगी ना, सोल वर्ल्ड में जाएगी, आत्माओं के सबके घर में जाएगी। क्या कहते हैं, ग्रीन रूम, ग्रीन रूम में जाएगी। बी नाइस, सबको, हाँ सबको सब कुछ अच्छे से पता है। तो आत्माओं के घर का जो इसको देखते हैं जस्ट क्विकली ना, तो ये है फिजिकल वर्ल्ड है ना, स्थूल दुनिया है, और ये है आत्माओं की दुनिया। तो इसके बीच में ये बहुत ही लाइट है ना, बहुत ही सूक्ष्म, ये वाइट लाइट दिख रही है, वाइट लाइट। तो ये भी एक बीच में एक क्या है, एक वेटिंग रूम है ना। क्यों, क्योंकि कोई, जब तक ये रंगमंच पे ये ड्रामा चल रहा है ना, इस सृष्टि पे जब तक ये ड्रामा चल रहा है, तो तब तक, जब तक ये पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा, आत्माओं को इजाजत नहीं है कि कोई बीच में अपने घर चले जाए। क्योंकि घर के लिए क्या लॉ है कि यहां से सब अपने अपने टाइम पे जाएंगे प्लेग्राउंड में, लेकिन सारे बच्चे, सारे एक्टर्स एक साथ आएंगे घर, क्योंकि ड्रामा जब फिनिश होता है तो सब एक्टर्स जाते हैं, है ना। तो जो एक्टर ना, जिसने ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट प्ले किया, और स्टार्टिंग में सत्युग में भी जो पार्ट प्ले किया, वो सारे पार्ट्स उसके 84 सब फिनिश हो गए, तो वो आत्मा अब जो अपनी फाइनल प्योरेस्ट स्टेट में ना स्टेबल हो गई। सारी जो पढ़ाई हम कर रहे हैं कि कंप्लीटली निर्बंधन, जो परमात्मा जो पढ़ाने का जो उनका लक्ष्य है ना, तो वो उसने स्टडी ने, उस स्टूडेंट ने पढ़ाई करके सब कर ली, वो पढ़ाई है ना, डायरेक्ट परमात्मा से पढ़ाई करके उसका रिजल्ट भी दे दिया ना। तो वो सोल जाती है वेटिंग रूम में, जो कि है ये फरिश्ताओं की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया ना, सटल रीजन, जिसको ट्रांस वर्ल्ड कहते हैं ना, ट्रांस की दुनिया। तो यहाँ पे वो आत्मा उतने समय से वहां पे वेटिंग रूम में है ना? बाकी जो है, जो पढ़ाई को कंप्लीट करके नहीं बॉडी छोड़ रहे हैं, तो वो सोल्स जाती हैं, दे प्ले अनदर पार्ट, क्योंकि रंगमंच पे ड्रामा तो चल रहा है। तो जब तक आप कंप्लीट, बिल्कुल योग से या भोग से कंप्लीट प्योर स्टेट में नहीं आ जाते, तो यहाँ पे पार्ट कंटिन्यू होगा, यहाँ पे ड्रामा में दूसरा शरीर लेके फिर वो एपिसोड्स आगे चलते जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि सभी का क्वेश्चन रहता है कि हम जो यहाँ पे वतन, यहाँ इस साकार दुनिया में रहते हुए फरिश्ता बन सकते हैं, तो आप ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं फरिश्ता यहाँ पे रह के बने, उनको क्यों जाना पड़ा।
तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम है वो बच्चों को साजे, है ना। तो हमारा काम है ये कि प्रैक्टिकल में एंजल बनना, जो कि बाबा ने भी किया, जो कि ब्रह्मा बाबा के पीछे जो आत्मा है उसने भी किया ये, लेकिन उसका आगे में 1969 के बाद वो जो यहाँ पे गई वेटिंग रूम में, उसके बाद उसका पार्ट था, उसका एक थोड़ा सा छोटा सा एक सटल पार्ट था जो वो यहाँ रह के नहीं कर सकती थी, और वो था हम सब जो आत्माएं हैं, जो इस वक्त सब, जिसने अभी कोई कोर्स किया है 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, अभी भी करने वाले हैं आगे, तो इन सब को इस टॉर्च देने का, लाइट शाइन करने का, लाइट हाउस बन के ना ट्रुथ की तरफ लेके जाने का, ये उनका पार्ट है। वो आंखों से दिखने वाली सेवा नहीं है, लेकिन एक सटल में थॉट्स के रीति से ना टच करने का, तो वो भी किसी का रोल होना था ना, क्योंकि हम सब यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड पे सेवा कर रहे हैं ना, मगर एक सोल जो है, शिव बाबा तो घर में है, और एक सोल जो है जो यहाँ जाकर वो पार्ट प्ले करती है, इस सबको टच करने का, सबको ट्रुथ की तरफ गाइड करने का, धीरे 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 जो कि रात और दिन इन सब से परे जाकर वो गाइड करते हैं, ना कभी सोते हैं ना कभी खाते हैं, क्योंकि सोल अपने कंप्लीट सोलफुल स्टेज में है, तो ना वो खाती है ना पीती है ना सोती है, बस वो सबको ड्रामा के जो स्टेज पर सबको ऐसे हल्का हल्का गाइड करती है, हाँ कि टाइम हैज कम, समय आ गया है, हाँ सबको घर जाने का टाइम आ गया है, तो बहुत ही प्यार प्यार से सटल रीति से, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है, जैसे उस स्टूडेंट ने किया ना, वो स्टूडेंट तो फटाफट पढ़ के उसने अपना शो पूरा दिखा दिया, हाँ तो ऐसे ही टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। तो शिव बाबा पूछ रहे हैं ना कि मैं ये स्टडी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप शो नहीं करोगे क्या रिजल्ट है स्टडी का, आप आत्मा को क्या रिजल्ट, क्या स्टडी कर रही है, तो दिखाएंगे ना। तो टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है, तो टीचर अपना काम कर रहा है और स्टूडेंट को अपना काम करना है ना, स्टूडेंट का काम है पढ़ाई का शो दिखाना ना, जो पढ़ाई है उसका शो दिखाना, ये है स्टूडेंट का काम। तो बाबा कहते हैं शोकेस में ना सभी को आना है ना, तो सभी आत्माओं को बाबा कहते हैं आप सबको शोकेस में आना है ना, बेस्ट सैंपल्स एग्जाम्पल। तो अभी सभी के दिल में ये संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो, सभी के अंदर बाबा कहते हैं कि संकल्प है कि जल्दी जल्दी अभी ड्रामा की सीन है ना खत्म हो, चलकर खत्म हो। तो ऐसा हो सकता है, या सटल वर्ल्ड में इस टाइम ब्रह्मा बाबा की आत्मा है या और भी है? नहीं, अभी सिर्फ एक ही सोल है जो कि है ब्रह्मा बाबा की पीछे जो जिस आत्मा ने जो पार्ट प्ले किया है वो सोल, ब्रह्मा बाबा तो एक पार्ट है, तो वो ही सोल उसके पीछे वाली उसने कंप्लीट किया, तो वो ही है वहां पे, बाकी सब थोड़ा सा कुछ और पार्ट बचा रहता है, तो वो यहाँ पे आते हैं। सब बहुत सारी डेप्थ है जो बाबा ने बताई है, एडवांस पार्टी कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे ना? नहीं, अभी एक ही के लिए बोला है बाबा ने ना, एक ही सोल है जो कि सटल वर्ल्ड में है ना, बाकी सबको एडवांस पार्टी, तो दे प्ले थोड़ा सा यहाँ पे स्थूल वतन में ही उनका थोड़ा सा और पार्ट रहता है।
तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि अभी सभी के दिल में ये संकल्प रहता है कि ड्रामा की सीन जल्दी जल्दी चलकर खत्म हो, है ना? लेकिन खत्म हो सकती है, हो सकती है जल्दी खत्म, सबके मन में, हम सबके दिल में रहता है कि जल्दी जल्दी ये फिनिश हो। तो होगा ऐसा? नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि भावी जो बनी हुई है वो तो बनी हुई बनी ही रहेगी, तो वो तो जब जिस टाइम पे वो सीन आना है, फिनिश होना है, वो उसी टाइम पे होगा ना। हम सबके दिल में अगर आता भी है कि जल्दी जल्दी फिनिश हो, तो नहीं, वो तो जिस टाइम पे मूवी को फिनिश होना है वो उसी टाइम पे होगी। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन है ना, जिसके अंदर ये थॉट आता है कि जल्दी फिनिश हो, तो बाबा कहते हैं लेकिन बनी हुई भावी में ये इतना नजर आता है ना, ड्रामा में इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले मुआफिक संकल्प आता है ना, क्या नजर आ रहा है ड्रामा में, कि अगर किसी आत्मा को ये थॉट आता है, ये संकल्प आता है कि ये अभी जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट हो जाऊं, मैं अपनी फाइनल स्टेट में रहूं, और ये ड्रामा जल्दी जल्दी अपने एंड को पहुंचे, तो बाबा कहते हैं अगर किसी को ये थॉट आता है, और ऑब्वियसली ये थॉट कल्प पहले पिछली बार जब मूवी रिपीट हुई थी तब भी आया था, तो ये दिखाता है, तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तो ये संकल्प भी किसको आएगा, जिसको जिसके अंदर में आगे में वो पार्ट चलना है, जो पार्ट आगे आना है, आगे प्ले होना है, सीडी में जो सॉन्ग्स हैं उसी का पहले से संकल्प आता है कि ये हो जाए ये हो जाए। वो संकल्प आ ही इसलिए रहा है क्योंकि वो आगे पार्ट में वैसा होना है ना? तो तब तो ये भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। तो पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा, तब तो ये भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा होकर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। तो बाबा उस थॉट को भी, कि किसी को ये थॉट आता है कि ड्रामा जल्दी जल्दी फिनिश हो, तो बाबा उस थॉट के पीछे भी बताते हैं कि अच्छा आपको ये थॉट आ रहा है, इसका मतलब आपने पुरुषार्थ किया होगा बहुत फास्ट, तभी तो ये थॉट आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपके पार्ट में है कि फास्ट फ्लाइंग, उड़ने का पार्ट है, तो उस पे आओ ना, उस अव्यक्त एक्सपीरियंसेस में आओ, तो ये पार्ट जल्दी जल्दी ना रैप अप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो, अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। तो हमने जो अभी बीच में देखा ना, सटल वर्ल्ड, फरिश्तों की दुनिया, तो बाबा कह रहे हैं वो फरिश्तों की दुनिया, वो जो उसके रियलिटी में उसके जो लॉज हैं, वहां तो अभी एक ही सोल है जिसने पूरा पढ़ाई कंप्लीट करी, शरीर छोड़ने का मतलब आत्मा कंप्लीट हो गई है ये नहीं है, आत्मा अपनी कंप्लीट स्टेज के एक्सपीरियंस में है ये नहीं है, शरीर छोड़ने का मतलब इट डजेंट मीन कि आत्मा अपने फाइनल स्टेट में है, लेकिन जिस हाँ जिस ब्रह्मा बाबा वो पार्ट जब फिनिश हुआ, तो उस आत्मा ने अपना फाइनल स्टेज ना पूरी पढ़ाई करी, परमात्मा के साथ पूरी पढ़ाई करी, उनके साथ रहकर अपने उस कंप्लीट स्टेट में आई। तो बाबा कहते हैं कि वो लॉज तो उसके अलग हैं, लेकिन आपके पास, आप बच्चों में क्या शक्ति है कि आप वो पूरा जो फरिश्तों की दुनिया है उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली में खींच सकते हो, कैसे, हम सब जब वो अंदर में वो एंजेलिक कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस में आए, तो सभी के पार्ट से दिखेगा कि सब एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं। तो बाबा कहते हैं आशाएं तो हर एक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है, तो टेलीफोन और टेलीग्राफ की ना, जैसे ऑफिस में ना बहुत सारी कॉल्स जाती हैं, टेलीग्राफ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मेरे पास सभी की आशाएं पहुंच जाती हैं।
वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारे वतन में पहुंचती रहती। तो बाबा के पास सभी की जो बहुत ही आशाएं हैं दिल के, बहुत प्यार भरे थॉट्स जो हैं, वो सब पहुंचते रहते हैं। जी, है ना, इसका मतलब ब्रह्मा बाबा ना, उस पाठ के पीछे जो आत्मा है, उसके बिना, उसके अलावा भी कोई भी आत्मा संपूर्ण कर्मातीत नहीं बनी है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं ना कि संपूर्ण कर्मातीत नहीं, उनके अभी पार्ट में, किसी किसी के पार्ट में अभी कुछ और सेवा का मेजर बचा है ना। तो जो सीनियर्स हैं, हाँ, जो एडवांस पार्टी में जाते हैं, उनका एक एडवांस पार्ट है जो कि अभी स्थूल वतन में अभी बचा है। उनकी स्टेज, उनकी अवस्था तो वैसी है, बस उस अवस्था से थोड़ा सा एक सेवा का पार्ट अभी स्थूल वतन में होना है, तो इसीलिए ऐसा है। जी, आई होप आपको आंसर मिला हो, है ना सतबीर जी। सो यहाँ एक क्वेश्चन है, सो इज इट अ गुड थिंग फॉर दिस पार्ट टू एंड? कैसे ये पार्ट पार्ट एंड हो, क्योंकि जो ड्रामा है ये और किसी टाइम पे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अभी ड्रामा जो मूवी है, जो ड्रामा है वो ही एंड होना है, वो ही एंड होना है ना। 5,000 ईयर्स का ड्रामा है, अभी परमात्मा जो डायरेक्टर है वो स्टेज पे आया है एक ही बात बताने कि ये जो मूवी जिसको तुम अपनी लाइफ समझ के बैठे हो, यही एंड होनी है, इसके अभी ये फाइनल मोमेंट्स चल रहे हैं, इट इज गोइंग टू एंड ना। तो ये जो मूवी है, और फिर वो दोबारा स्टार्ट होगी, तो ऐसे में अच्छा यही है ना, ऐसे में तो हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे मूवी फिनिश हो रही है और फिर एकदम से ये रोल रैप अप हो, या ये मूवी फिनिश हो रही है और हम एक्टर जो है पहले से ही उसका रोल रैप अप हो गया है स्टेज पे ना, उसकी स्क्रिप्ट और उसका सब हो गया है, तो गुड और बैड की बात नहीं है, लेकिन जो जो टाइम जिस रीति से चल रहा है ना, टाइम कैसे चल रहा है, ड्रामा जो मतलब काल चक्र ना, ड्रामा मीन्स काल चक्र, तो वो जैसे घूम रहा है, इट इज गुड कि हम उसी के साथ ही, है ना, घूमे, उसी के साथ ही चले, हाँ, जो ड्रामा का प्लान है उसी हिसाब से चले। तो इसका मतलब जब ड्रामा का फाइनल सीन्स है, तो ये पार्ट का भी कुछ, ये भी एंड ही होगा, सभी के पार्ट्स एंड होंगे, है ना, सभी के सभी सोल्स जो पार्ट प्ले कर रही हैं वो एंड तो होना ही है, क्योंकि दैट इज जस्ट, वो तो कोई भी जैसे रोल होता ही है, इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स, तो वो स्टार्टिंग और एंडिंग वो तो होनी ही है, लेकिन मैं आत्मा उसके उस एक्सपीरियंस को ना एक्सपीरियंस करके मैं अपने ट्रुथ के एक्सपीरियंस में रहूं, अपने इम्पेरिशेबल, अपने अविनाशी सत्य के अनुभव में रहूं, तो पार्ट जब एंड होना होगा वो होगा, लेकिन उसके स्टार्टिंग और एंड से, उसके एक्सपीरियंसेस से मैं आत्मा ट्रबल्ड नहीं हूँ ना, मैं आत्मा उसमें नहीं स्लिप कर रही हूँ, आई एम इन माई ओन एक्सपीरियंस। तो इस पे हम आगे और देखेंगे। जी, उनका सेवा का पार्ट बचा हुआ है। जी, और तनु जी आपको ये, हाँ सिस्टर आपको मिला आंसर, क्लियर हुआ? पार्ट का तो वो तो एक पार्ट ऑफ विनाशी ड्रामा है ना, विनाशी, नॉट विनाशी ड्रामा, एक विनाशी चीज है ड्रामा के अंदर में, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स, है उसकी एंडिंग तो होगी, मगर उसके एंड और उसके स्टार्ट से मैं आत्मा बंधी नहीं हुई हूँ, इमोशनली बंधी नहीं हुई हूँ ना, अटैच नहीं हूँ, तो इसीलिए ये जो पार्ट चल रहा है उसको अभी भी हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं परमात्मा के साथ बैठ के, तो इस पार्ट में भी क्या ब्यूटी आती है, सोल की ब्यूटी शाइन होती है, एंजल की ब्यूटी शाइन होती है, और इसीलिए है बाबा कहते हैं कि सभी के संगम युग पे सभी का पार्ट ही हो जाएगा फरिश्ते का, और फरिश्ते से ही देवता के पार्ट में एंट्री होगी, क्योंकि जो सोल जगी हुई है उसका जो फाइनल जो पार्ट है ड्रामा के फाइनल सीन से पहले, वो एंजल का होगा।
और फिर ये जगी हुई आत्मा फिर जाके सत्युग में देवता का पार्ट प्ले करेगी। या तो प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ ये जो लेवल्स बोले थे, अप अबव एंड इनवर्ड। जी मेडिटेशन के जो ये लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के, तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं आत्मा, अभी जो बाबा ने कहा ना कि ये अंतर मिटेगा, तो आप क्या होगे, सबसे पहले अंतर्मुखी। तो फर्स्ट थिंग जो कि बहुत जरूरी है, मुझ आत्मा का इनवर्ड्स रहना है ना, इनवर्ड्स आना, तो अंदर की ओर। हाँ हम देखते हैं जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस गहरा होता है कि कितना आत्मा बिल्कुल सटल में यहाँ फोरहेड के बीच में बैठी है, और आत्मा जैसे हम जैसे जैसे बाहर से सबसे डिटैच होते हैं पार्ट से, तो आई गो इनवर्ड्स ना अपने ही अंदर के एक्सपीरियंस में। तो जैसे जैसे हम इनवर्ड्स आते हैं, इस पार्ट से ये जो रोल चल रहा है, ये जो पार्ट प्ले हो रहा है, इसके बियॉन्ड जाते हैं ना, इसके अबव, यू कॉन्शियसनेस से। ये फिजिकली डिस्टेंस और ट्रैवल और टाइम ट्रैवल की बात नहीं हो रही है, बट कॉन्शियसनेस, चेतना के स्तर पे, जैसे जैसे मैं अपने अंतर आंतरिक जगत में हूँ, आई एम इनवर्ड्स, अपना अटेंशन आई टेक टू माई इनर वर्ल्ड, तो धीरे धीरे क्या है, या अंतर्मुखी सदा सुखी। हाँ तो अंतर्मुखता से क्या है कि ये जो पार्ट है इसके बियॉन्ड, और इसके बियॉन्ड है तो विच मीन्स कि हम सबसे हाईएस्ट है ना, सबसे अप जिसको कहा, सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ है, तो परमात्मा का साथ है। जैसे ही मैं आत्मा इनवर्ड्स हूँ, ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा का साथ वो हाईएस्ट हाईएस्ट कंपनी एक्सपीरियंस होती है, और उसके आधार पे ये सारा जो पार्ट है ये चल भी रहा है, फिर भी आई एम कंप्लीटली बियॉन्ड इट, इससे बिल्कुल उपराम है ना, बिल्कुल साक्षी है। तो वी गो इन, हाँ फिर परमात्मा के साथ, और फिर इन सब से बिल्कुल साक्षी, बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। आई होप क्लियर हो ना। तो इसी को बाबा ने कहा अंतर्मुखी, फिर अव्यक्त है और अलौकिक। जी जी तो अंतर्मुखी है और अव्यक्त, अव्यक्त परमात्मा के साथ, ये व्यक्त भाव सबसे परे, हाँ परमात्मा के साथ है, और परमात्मा के साथ है तो बिल्कुल अलौकिक ना? तो ये जो लौकिक, ये जो पार्ट चल रहा है स्टेज पे, इससे बिल्कुल डिटैच्ड। आगे भी हम देख लेंगे, अगर आज नहीं रोहित भाई ये क्लियर नहीं हुआ है तो हम आगे इसको देख लेंगे। तो ये बाबा ने बताया कि कैसे बाबा की पर्सनालिटी जो है आते हैं शुद्ध मुंह में आते हैं, और बाबा कह रहे हैं मैं तो तुम आप सबसे ज्यादा शुद्ध मुंह में आता हूं, लेकिन स्वरूप नहीं बनता, स्वरूप नहीं बनता, वो जो थॉट्स आए वो मेरे लिए ना, हर बार आत्मा न्यू न्यू एक्सपीरियंस में है ना, न्यू एक्सपीरियंस क्या जो कहते हैं ना, नित्य नया ड्रामा, जो एवरी सेकेंड इट इज न्यू। तो इस रीति से बाबा ने कहा कि मैं शुद्ध मुंह में आता हूँ, आपसे भी ज्यादा आता हूँ, लेकिन आई डोंट गेट ना, मैं उसमें स्वरूप में नहीं आता, अटैच नहीं होता उनको, वो फीलिंग्स मैं करके नहीं कर लेता, वो सीन के दौरान वो फीलिंग आई बहुत अच्छा है, बहुत सब अच्छा है, हाँ फील सीन खत्म हुआ एंड वो फीलिंग्स डिजॉल्व हो गई, मैं अपने ट्रुथ के एक्सपीरियंस में हूँ। और बच्चे क्या करते हैं, वो सीन्स जब अच्छे सीन्स हैं तो उसमें उनका अंदर में जो फीलिंग्स आती हैं उससे ना मैं करके उससे चिपकते हैं, मतलब स्वरूप बन में आ जाते हैं, और स्वरूप में आते हैं तो सीन फिनिश हो जाता है बट वो फीलिंग खत्म नहीं होती, उसको छोड़ते नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब इस अंतर को मिटाओगे, हाँ जितना कंपनी ऑफ गॉड है ये अंतर मिटता जाएगा, हाँ तो इसको मिटाने से क्या है, अंतर्मुखी अव्यक्त अलौकिक, और इससे पार्ट के लेवल पे भी सूनर और लेटर वो रिफ्लेक्शन आएगी, जो अंदर में जो एंजल है उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी छाप आएगी।
इसीलिए हम जो आत्माएं जो ब्राह्मण फेज में है, जिन आत्माओं का पार्ट है ब्राह्मण का, उनका ये ड्रामा को ड्रामा से जब एग्जिट लेते हैं, उससे पहले पार्ट प्ले होता है एंजल का, ना एंजल का, फरिश्ते का पार्ट। तो ब्राह्मण के बाद है फरिश्ते का पार्ट और फिर ये आत्मा, और तीनों ही पार्ट में ब्राह्मण का पार्ट, फरिश्ते का, ये सब पार्ट है, ये सब ड्रामा पे, ड्रामा के स्टेज में झलकने वाले, पर्दे पे दिखने वाले ये सब पार्ट्स हैं ना। लेकिन ये पार्ट्स कैसे प्ले आउट हो रहे हैं, क्योंकि जो अंदर में जो दृष्टा, जो आत्मा है, अदृश्य दृष्टा, विटनेस जो आत्मा है, वो अब जग गई है, वो कम्प्लीटली जगी हुई है ना। उसे ये नहीं लग रहा है कि ये पार्ट बजा, ये गाना बजा तो मैंने किया, वो तो गाना तो वही बज रहा है ना जो बजना है। मैं तो जस्ट प्रेजेंट हूं, मैं शरीर में हूं, मैं आत्मा ना, तो वो पार्ट प्ले हो रहा है, कुछ समझने का पार्ट है, कुछ समझाने का पार्ट है, एवरीथिंग वो पार्ट अनुसार चल रहा है ना। तो ये कितना सुंदर, कितना सुंदर ये एक्सपीरियंस है जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर, जिन लोगों की दुख देने और लेने की आदत है ना, उनसे दूर रहना चाहिए और बी विद देम बट डिटैच्ड ना, देयर बिहेवियर डजेंट अफेक्ट मी एनी मोर, बट डू आई हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड समवन नॉट इन ट्रूथ एक्सपीरियंस जी। हर एक आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे जो फैमिली ऑफ सोल्स है उन सबके प्रति ना, सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस सोल को उसके पार्ट में दूसरे कुछ पार्ट्स, कुछ डिफरेंट रोल्स के साथ प्लेस किया है, तो हमारी उनके प्रति भी ऐसा ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन नहीं, लेकिन मैं बस जगी हुई हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट रीति से ना, अगर इफ आई एम इन ट्रूथ, तो वो भी सूनर और लेटर उस फेज से, हाँ, सोल का जो एक पैटर्न है दुख देने और लेने का, उससे वो भी बाहर आएंगे। बट मेरा अटेंशन सिर्फ इस पे है कि मैं आत्मा अपने रोल प्ले पार्ट से इंटेंगल, मैं फंस नहीं रही हूँ उसमें ना। मैं फंसी हुई हूँ तो मुझे इनको बहुत ठीक करने का, इनके प्रति बहुत मर्सी आएगी, इनके प्रति बहुत दया भाव, लेकिन बाकी दुनिया का तो कोई होश नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये क्लोज लगेंगे और बाकी सब क्लोज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने पार्ट से ही अटैच हूँ, मैं आत्मा अपने पार्ट से अटैच हूँ। इफ आई कम अबव दैट पार्ट से, जैसे डिटैच हुए मैं अपने एक्सपीरियंस में हूँ, तो सभी के लिए एक गुड विश, एक शुभ भावना रहेगी कि सभी को ना, सभी उस ट्रूथ में आए, सभी उसके एक्सपीरियंस में आए, और वो कैसे आएंगे, जितना हम हैं ना, जैसे जैसे हम हैं, तो उनका पार्ट भी ओपन अप होता जाएगा। सो अच्छी चीज है कि वो जो डिफरेंट जो वैरायटी रोल्स हैं, उससे ये आत्मा अफेक्ट नहीं हो रही है, इट शोज कि अपनी जो अपने जो पार्ट है उसकी जो आइडेंटिटीज है उससे फ्री हुई है ना। तो बस हमारा काम है फ्री होते जाना ना, फ्री होते जाना सत्य के साथ में, कंपनी ऑफ गॉड को के साथ में रह के इन सब से फ्री होना। तो बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिजल्ट से वो उनका भी वो पार्ट, या टॉर्च की तरह वो पार्ट ओपन अप होता है जब होना है ना। बट हमें ऐसा अंदर में डेस्पिरेशन नहीं है कि ये कब होंगे, कब इनका ये बिहेवियर फिनिश होगा, नहीं या है ना, बिल्कुल अंधेरा दूर नहीं करना है, हाँ खुद लाइट बनना, या हम सब सोल्स सटल वर्ल्ड में जाएंगे या डायरेक्टली सोल वर्ल्ड में जाएंगे, वो तो हम सोल्स पर है ना। अगर कोई सोल ब्रह्मा बाबा की तरह कंप्लीटली सेवा का भी पार्ट और सब कुछ फिनिश करके फ्री हो गई ना, ड्रामा चल रहा है लेकिन वो सब उसने रोल्स अपने पार्ट प्ले कर लिए हैं, तो फिर वो वहां जाएगी ना। और वरना जैसे सब सोल्स जाती हैं घर, तो हम भी सब साथ में जाएंगे। केवल ब्रह्मा बाबा, हाँ दादा,
सटल वर्ल्ड में है या पॉइंट ऑफ लाइट सटल वर्ल्ड में? कौन एक आत्मा सटल वर्ल्ड में है? तो इतना क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन परमात्मा, निराकार परमात्मा जो है वो हर एक आत्मा के साथी है ना, और इसीलिए सटल वर्ल्ड में भी अव्यक्त ना, फरिश्तों की दुनिया में जो ब्रह्मा बाबा का जो वो जो सोल है वो वहां पे प्रेजेंट है, और उसके साथ में परमात्मा की भी कंप्लीट प्रेजेंस है ना, क्योंकि वो दोनों का रोल साथ में ही है, हर आत्मा को हल्का हल्का टच करना ना, लाइट हाउस बन के उनको टच करना, ट्रुथ की तरफ लाने का, पूरे वर्ल्ड के सभी आत्माओं को न? इस सृष्टि पे जितने भी रोल्स चल रहे हैं सबके पीछे जो आत्माएं हैं, तो परमात्मा का तो यही फर्ज है कि हर एक बच्चे को गाइड करें, तो वो रोल उनका सटल रीजन से भी चलता है विथ द फर्स्ट सोल, जो ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है उसके साथ में उनका वो रोल चलता है। जी हर सोल को एक दूसरे से कुछ सीखना है, हाँ हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ सीखना है, और स्पेशली जो पार्ट्स हमारे साथ में है ना, उन सबके साथ हमें जरूर हमारा कुछ सीखने को है, इसीलिए हम देखते हैं बहुत ही वैरायटी, बहुत ही ऑपोजिट पार्ट्स एक साथ रखे जाते हैं ना, तो डेफिनेटली उधर से सीखना है। हाँ सीखेंगे नहीं तो और ऑपोजिट्स के साथ फिर प्लेस किया जाता है, बट जैसे जैसे आप लर्न करने लगे तुरंत वो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हेन आई सिट इन साइलेंस माय एक्सपीरियंस इज परमात्मा इन लाइट फॉर्म इज इनसाइड मी एंड मी एज आत्मा सराउंडेड बाय परमात्मा है ना, गॉड, सो माय एक्सपीरियंस इज वेरी स्ट्रेंज। देखिए ये तो दोनों अविनाशी बीइंग्स हैं, एनर्जीज हैं, ये एक विजुअलाइजेशन हो सकता है कि हम देखें कि वो अंदर है और ऐसे है, यू नो विजुअलाइजेशन इज डिफरेंट, विजुअलाइजेशन एक इनिशियल स्टेप है, बट एक्सपीरियंस में वो ट्रुथ का फीलिंग है, अनुभव है, फीलिंग भी राइट वर्ड नहीं है, बट ट्रुथ का एक्सपीरियंस है। तो जैसे जैसे हम मुरलियों की स्टडी करेंगे स्पष्ट होता जाएगा कि परमात्मा को याद करना ना, वो जस्ट एक विजुअलाइजेशन का सिर्फ एक सिर्फ उतना ही लिमिटेड खेल नहीं है, बट इट इज अ नेचुरल रिमेम्बरेंस ना, जैसे हमें हर समय कोई याद आए, जैसे याद रहता है कि भाई शरीर का उम्र क्या है, नाम क्या है, कितना याद रहता है, तो हमें कोई विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है ना, तो इस रीति से जो याद है वो एक पूरा लाइफ लॉन्ग आत्मा परमात्मा के साथ है ये एक्सपीरियंस, तो इसका जो डेप्थ है वो धीरे धीरे हमें मुरलियों से स्पष्ट होता जाएगा ना, खुद ही परमात्मा उसको क्लियर करते जाएंगे, तो जस्ट उससे लर्न करते जाए, उससे पॉइंट्स लेते जाए, एज वी लर्न फ्रॉम करंट सिनेरियोस वी मूव टू नेक्स्ट लेवल इन दिस गेम ऑफ लाइफ। या बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्शियसनेस जो है वो हाईएस्ट, हाँ हायर हायर जाती रहती है, जैसे जैसे हम यहाँ से ना करंट जो सिनेरियोज हैं, सिचुएशंस हैं, पार्ट्स हैं, रोल्स हैं, इससे लर्न करते हैं, तो हम हाँ चेतना जो है वो अपने हाईएस्ट स्टेट की तरफ जाती रहती है, हर बार एक और डेप्थ का एक्सपीरियंस है ना। चलिए थैंक यू, ओम शांति।